एक मिनट फोन करो, मम्मी को फंस गया। बस इसको एक बार प्लेन प्लेन बाहें मिल जाए बस। नहीं, मैं सोच रही हूँ शायद फंस जाए, मेरे से शादी कर ले। मेरे से शादी करके उसको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, समझी? ये क्या, जिसने भेंगिस्तान ओ तेरी कर ली, उसको क्या पता जिंदगी क्या होती है। लेकिन जो भी हो, अभी सही फिल्म साइन की उन्होंने सनम रे, कास्टिंग हमने करवाई है। अच्छा? हाँ, हम गरीब कास्ट कर लेते हैं, गलत कभी कास्ट नहीं करते। अबे तेरी बात कर रहा हूँ गरीब नहीं, तेरे को बोला है मैंने। भारतीय इसमें है? हाँ। इसका मतलब गरीब आ रहे हैं फिल्मों में? हाँ। मुझे भी कर लो मुझे भी कर लो। अरे क्या कर रही हैं आप ऊपर उठिए। मैडम, आज आपको मारने से मना किया, वरना मैं आपका बहुत बुरा हाल करता। आपने एक्टिंग वैक्टिंग कहाँ सीखी, उसके बारे में बताइए। एक्टिंग जब मुंबई में आई तो इतनी स्ट्रगल की, आपको पता है कैसे कैसे दिन देखे। जी जी। 5 महीने में तो आके पहले गुलशन ग्रोवर के पास रही। लेकिन कुछ किस्मत जागी नहीं है? उसके बाद फिर मैं 3 महीने शक्तिपुर के पास रही। तुम तो लोग कमीनो, गंदी सोच, घटिया लोग। फिर मेरी किस्मत जागी। अच्छा? हाँ। क्या हुआ? अब मिंटू रखा है बेटे का नाम। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या? मैं पूछ रहा हूँ एक्टिंग कहाँ से, खैर आप ये बताइए आपने डांस कहाँ से सीखा? रजा मुराद, तो आपने नाम सुना होगा। रजा मुराद ने आपको डांस सिखाया? नहीं नहीं, डांस तो मैंने सरोज कहाँ से सीखा है, फीस वो देते थे। फीस रजा मुराद क्यों देते थे? 1 महीना उनके पास भी रही थी, एक बेटा टिंकू भी है। क्या बकवास कर रही है, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, रजा मुराद, अभी कोई और भी है तो उसका भी नाम बता दे माँ। नहीं, वो रंजीत जी ने मना किया बबलू के बारे में। मुझे फिल्म में रख लो ना प्लीज। क्या ऐसी सुंदर लड़की? हट बे, फिल्मों में सुंदर सुंदर लड़कियां लेती हैं हम, ऐसी खूबसूरत। अच्छा? हाय, कितनी सी, ये देखो कौन बेटा है? मुझे तुम्हें पूछ रहा हूँ कौन बेटा है, बता ना। अरे वो मिथुन है, मिथुन। हाय मिथुन, आपको पता है कितने बिजी है ये? और ये आप अंकित तिवारी का नाम लो, शान का नाम लो, अरिजीत का नाम लो, गूगल में लिखो, फटाफट आ जाएंगे। इनका नाम लिखो, आते नहीं मिथुन चक्रवर्ती आ जाता है, आपके मैनेजर है वो। बड़ी बिजी हूँ। अभी किसके बातें लेके बैठा है तू? बात करनी तो इनके बारे में करो, के बारे में। मैं जाके करूंगी। इतनी बढ़िया है ना उर्वशी, मैं आपको जब देखती हूँ बहुत बिजी। उर्वशी आज वो यामी गौतम है वो, तो मेरे को बताओ ना कौन उर्वशी है, कौन है यामी गौतम है, मेरे को क्या पता। ऐसे मत करो यार, मैं कंफ्यूज, ऐसे तो वो दिव्या दत्ता गुस्सा मान जाएंगी। किधर है दिव्या दत्ता? दिव्या खोसला है। हाय बे, ये भी मेरे को कंफ्यूज किया हुआ है सब ने, कौन क्या मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। चल निकल यहाँ से, चलो बड़े लोग आने वाले हैं यहाँ पे, चलो वहां से दफा हो। चल भारती। बहुत बोलती है ना मेरे बारे में। छोड़ने वाली हूँ, सच कह रही हूँ मैं। पता है तुम सबको, दिव्या जैसी लड़की को देखकर हर लड़के का मन करता है हाय शादी कर लूँ मैं, लेकिन भारती जैसी लड़की को देखकर हर आदमी बोलता है भाई डिवोर्स का प्रोसेस क्या है, भाई बता दो मुझे। सब कहते फिरते हैं वो अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। बोला उसको, भारती को क्या बोला पता, कितनी टैलेंटेड है वो। जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो ये सबसे पहले जब कोई सेलिब्रिटी आता है ना तो सबसे पहले भारती उसके गोद में जाकर बैठ जाती है, क्या ये टैलेंट होता है? जब देखो जाके पप्पियां लेती है, फ्लर्ट करती है, ये टैलेंट होता है? बोलो ऐसे, और बोलो ऐसे येड़ी जैसे हंसती रहती है, पागलों जैसे रोती है, पागलों जैसे रोती है, इसे टैलेंट कहते हैं।